नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे सरकारी बाबुओं की काले कमाई की। जी हां, कैसे गरीब और विकलांगों के हक के पैसे से सरकारी बाबू अपनी जेबें भरते हैं। दरअसल सिरसा में सतर्कता विभाग की टीम ने हरियाणा पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग कल्याण के जिला प्रबंधक राजकुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अधिकारी साहब पर आरोप ये है कि वो विकलांगों के 50,000 लोन दिलाने के बहाने 5,500 रुपए की रिश्वत की मांग करते थे। सरकारी नौकर काम से जाए, नौछावर से न जाए, बहुत बुरा है लालच सरकार के रिश्वतखोर बाबू। सरकारी दफ्तर अब रिश्वतखोरी का अड्डा बनते जा रहे हैं। यहाँ तक कि विकलांगों के हक को भी नहीं छोड़ा जाता है। सरकारी बाबू विकलांगों को हक देने के बदले अपनी जेब भरते हैं। सिरसा में हरियाणा पिछड़ा एवं कमजोर वर्ग कल्याण निगम भी अब रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है। यहाँ विकलांगों को लोन देने के नाम पर रिश्वत लिए बिना मदद नहीं दी जाती। लेकिन कहते हैं ना कि काले कारनामों का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। और आखिरकार कल्याण निगम के प्रबंधक राजकुमार के गुनाहों का घड़ा भर ही गया। बूटा सिंह सनो बैरलाल उड़ना का आया था हमारे पास में, तो उसके बहनों या कुलदीप सिंह जी, तो वो हैंडीकैप है और थोड़े पिछड़ा वर्ग से, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनका 50,000 का लोन होना था यहाँ से, तो लोन कराने के एवज में इसने 5,500। कल्याण निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार को सतर्कता विभाग की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रबंधक राजकुमार पर आरोप है कि वो 50,000 रुपए का लोन पास कराने के लिए 5,500 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। शिकायत मिलने पर सतर्कता विभाग की टीम ने निगम के दफ्तर में छापेमारी की और प्रबंधक राजकुमार को रिश्वत के रुपयों समेत गिरफ्तार कर लिया। जिस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने अधिकारियों से बात करके और भी डीपीओ सरसा को ड्यूटी पर लगा के 5,500 रुपए लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया इसको। आगे भी इसी रिकॉर्ड पड़ताल कर रहे हैं। सरकार की ओर से जनता के लिए करोड़ों का बजट बनाया जाता है, लेकिन रिश्वतखोर अधिकारी जनता के हक से अपनी जेब भरते हैं। ऐसे में जरूरत है भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने की। सिरसा से अमित तिवारी की रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और यही दिखाने की कोशिश की कि कैसे सरकारी बाबू अपनी जेबें भर रहे हैं। जो हाँ, गरीबों के हकों पर कैसे डाका डाला जा रहा है और कैसे अपनी जेबों को भरा जा रहा है, सिरसा का पूरा मामला है। लेकिन कई सवाल इस दौरान खड़े उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार कब तक भ्रष्टाचार का बोलबाला ऐसे ही रहने वाला है? कब तक भ्रष्टाचार जो है अधिकारी जनता के हक पर डाका डालते रहेंगे? संवाददाता हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपसे इस पूरे केस को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे और क्या कुछ कार्रवाई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अब तक हो पाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो एक विकलांग से जो रिश्वत मांगने का ये मामला था और इसमें जो है जिला प्रबंधक है जो पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उनके जो कल उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय में पेश करने के बाद आगे जो जो भी आदेश न्यायालय से मिलेगा उसके बाद कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ जो बड़ा सवाल एक उभर कर आता है कि यह अधिकारी जिला प्रबंधक राजकुमार पिछले 23 सालों से इसी निगम के कार्यालय में विराजमान था, तो यह भी एक भ्रष्टाचार की बड़ी वजह होती है एक जगह जमे रहना। सरकार जब अच्छे दिनों की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करती है, तो उसे सभी विभागों की जांच करनी चाहिए कहाँ कहाँ लंबे समय तक जो बिल्कुल अमित, एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है और दूसरी तरफ इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन उस विकलांग शख्स का कुछ अभी तक कुछ उसके बारे में पता चला है? क्या मदद के लिए कोई आया है या फिर किसी ने कहा है कि जिनसे भी रिश्वत ऐसी मांगी गई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
जी फिलहाल जो अधिकारी रिश्वत मांग रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, और जो विकलांग था उसके रिश्तेदार ने इस मामले में शिकायत की और वह खुद शिकायत करता है और उसके बाद कार्रवाई हुई है। जो अब अमित आगे आपके बाकी पास है कि मैं दूसरे आऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको बीच में रोकना चाहती हूँ। जगदीश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, विजिलेंस विभाग के अधिकारी हैं ये। जगदीश जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज को? चलिए, संपर्क नहीं हुआ, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अमित, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, बताइए। हाँ अमित, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जरूरत है उन पर नकेल कसने की, ताकि समाज में भी ऐसा संदेश जाए कि भ्रष्टाचारी अधिकारियों को कोई भी सहन नहीं करेगा। जी बिल्कुल, नकेल कसने की जहां तक बात है तो सबसे पहले जो सरकार को यह चाहिए कि लंबे समय से जो एक ही सीट पर विराजमान अधिकारी है उन्हें वहां से हटाया जाए, चाहे वह पुलिस महकमे की बात है या दूसरे तमाम तरह के विभाग है। लंबे समय से 10-10, 15-15 सालों से, 20-20, 25-25 सालों से जो अधिकारी जमे बैठे हैं, क्लर्क जमे बैठे हैं, उन्हें वहां से हटाया जाए, उसके बाद कुछ सुधार होगा, भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगेगी। जी बिल्कुल, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस तरह के केसेस सामने आते हैं, लेकिन अमित, तो उस शख्स की बात की जाए जो कि पीड़ित है, जिससे इस तरह की रिश्वत मांगी गई है, अब वो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहता है? क्या मदद के लिए कोई और आगे आया है उनकी? कि बिल्कुल, जो शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह है वह काफी पीड़ित था और लगातार जो निगम के कार्यालय में चक्कर लगा रहा था लोन की रकम हासिल करने के लिए। उसके जो रिश्तेदार है बूटा सिंह, उनसे हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो भ्रष्ट अधिकारी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को भी आगे जो ऐसे अधिकारी है उन्हें भी तैनाती से पहले देखा जाना चाहिए उनके। चलिए अमित, बने रहिए हमारे साथ। जगदीश सिंह हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, विजिलेंस विभाग के अधिकारी हैं ये। जगदीश सिंह जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को आप? हाँ जी मैडम जी। जगदीश सिंह जी, जो सिरसा से ये केस आया है जिसमें एक विकलांग से रिश्वत मांगी जा रही है, अब उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अभी तक विजिलेंस विभाग ने की है? अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में पेश कर रहे हैं उसको। हाँ, अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट हो गया था लेते हुए उसको। जगदीश जी, अब कौन कौन से धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज होगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है? जैसे कि आपने भी बताया कि रंगे हाथों उस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे। आपको शिकायत कब मिली? कल शिकायत मिली थी, कल ही हमने कार्रवाई कर दी उसके खिलाफ में। हाँ ठीक, जगदीश सिंह जी, अब किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और क्या कुछ आगे कार्रवाई बनती है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं? करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है इसी क्लास में। हाँ हाँ, और कोर्ट में करेंगे, कोर्ट से सख्त से सख्त लड़ने की कोशिश करेंगे इसको, वही अंत लगे पुलिस की कार्रवाई करके। लेकिन जगदीश जी, क्या वजह है कि अभी भी जो सरकारी मुलाजिम है वो इस तरह से खुलेआम रिश्वत मांग लेते हैं? क्या डर नहीं है उनको, क्या भय नहीं है? हम एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के भ्रष्टाचारी अधिकारी अभी भी बने हुए हैं। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करें करप्शन पर लगाम लगाने के लिए। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जगजीत जी, करप्शन पर कहाँ पर रोक लग रही है? आम लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, कभी उनसे पैसे मांगे जाते हैं अपने काम कराने की वजह से, वो भी वो काम जो उनका हक है, जिनके अधिकार मिलना इस आम इंसान का हक है, वो नहीं उनको मिल पाते। हम आम लोगों की सहायता के लिए ही हैं, हम लोग सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाँ जगदीश सिंह जी, आगे ऐसे केसेस ना हो तो विजिलेंस विभाग उसके लिए क्या कुछ सतर्कता कर रहा है, क्या कुछ आप लोग आगे की स्ट्रेटेजी रखते हैं? हम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ में जागरूकता फैला रहे हैं, अभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें ज्यादा से ज्यादा शिकायत करें, हम ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करें भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ जगजीत जी, अमूमन आपके पास और किस किस तरह की शिकायतें आती हैं, लोग किन किन परेशानियों से जूझते हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। यही होता है, सरकारी काम होता है जिसके करने के लोग रिश्वत मांगते हैं, सरकारी काम जो उनकी ड्यूटी होती है पूरी नहीं करते, उसके संबंध में हमारे पास समय समय शिकायतें आती रहती है और हम शिकायत के अनुसार उससे उचित कार्रवाई करते हैं। हाँ ठीक, जगजीत सिंह जी, एक बार आप क्या हमें बताना चाहेंगे और दर्शकों को भी क्या वो बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी अहम चीजें हैं जहां पर लोगों से पैसे की डिमांड ज्यादा की जाती है, ताकि लोगों को पता हो कि ये काम हमारा फ्री में हो सकता है लेकिन हम गलत पैसे दे रहे हैं या हमसे गलत डिमांड की जा रही है, जागरूक करने की कोशिश हम लोगों को कर रहे हैं इस दौरान? देखो मैडम, फ्री का तो ऐसा है, जो सरकारी फीस है उसके अलावा अगर कोई भी ज्यादा पैसे लेता है उसे तो वो रिश्वत ही मानी जाएगी। हाँ। जो भी फीस डॉक्यूमेंट्स की या सर्विस की जो सरकारी फीस है उसके अलावा अगर कोई ज्यादा पैसे मांगता है उससे तो वो भ्रष्टाचार ही माना जाएगा, रिश्वत ही को मानी जाएगी।
ठीक जगजीत जी, और कई बार हम देखते हैं कि लोग कई केसेस को बता नहीं पाते, ऐसे में ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को कैसे पकड़ा जाए, कैसे उन पर नकेल कसी जाएगी? हम तो यही कोशिश कर रहे हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर रहे हैं, हम कैंपेन भी चलाते हैं इस संबंध में और लोगों को जागरूक किस तरह के कैंपेन, किस तरह के अभियान विजिलेंस विभाग इसके आगे चला रहा है ताकि भ्रष्टाचार ना फैले समाज में? हम लोकल टीवीज के माध्यम से और न्यूज़पेपर्स में चलाते हैं और लोग जैसे लोकल स्कूल हैं या जो संस्थाएं हैं वहाँ पर हम छोटे छोटे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक जगजीत जी, इसके अलावा आपने कहा कि आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार लोग खुद ये शिकायतें करते हैं कि वो शिकायत कर करके थक चुके हैं, हर जगह शिकायत की लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता, अब ऐसे केसेस में क्या होगा? नहीं मैडम, मैं और किसी डिपार्टमेंट की तो मैं नहीं कह सकता, पर हमारे पास जो भी शिकायत आती है और जो सही शिकायत होती है हम बिल्कुल उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अगर जगजीत जी इस केस की हम बात करें सिरसा में, जहाँ पर एक विकलांग से पैसे मांगे जाते हैं, कई ऐसे और केसेस होंगे, ऐसे केसेस ना हो, लोग जागरूक रहें, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं यही तो बार बार आपको अर्ज कर रहा हूँ, हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं भी, जो उनका राइट है, जो सरकारी फीस के अलावा जो भी तीसरे डिमांड है उसके बारे में हमारे को बताए और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जगजीत सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, ये विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी तमाम चीजें होती हैं, उसके लिए क्या करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर, सीएम से मिले प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से संगठन मंत्री सुरेश भट्ट से भी मुलाकात हुई है, तो हरियाणा भवन में दरअसल मुलाकात का ये सिलसिला चला है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के मुद्दे को लेकर ये मुलाकात हुई है, खुद सीएम से प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मिले हैं, इतना ही नहीं कई अन्य नेता हैं जो कि इस दौरान सीएम से मिलते हुए नजर आए हैं, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट ने भी मुलाकात की है सीएम से, और जो वजह है इसके पीछे की वो यही है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, तो इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं और मीटिंग्स का मकसद साफ होता है कि कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, संगठन ऐसे और कैसे मजबूत हो, और साथ ही साथ जो योजनाएं तमाम चल रही हैं उन योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति सरकार की तरफ से बनाई जाती है, और इसी सिलसिले में इस तरह की जो मुलाकातें हैं वो होती रहती हैं। संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल, संगठन के मुद्दे पर चर्चा यहाँ पर हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है इसको लेकर? देखिए, बीजेपी के हरियाणा प्रधान सुभाष बराला और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की गई है, दिल्ली के हरियाणा भवन में मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं संगठन के मुद्दे पूरा का पूरा डिस्कस हुआ, क्योंकि सुरेश भट्ट और सुभाष बराला जब साथ होते हैं तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, तो बीजेपी को हरियाणा में संगठन कैसे मजबूत किया जा सकता है उन तमाम पहलुओं पर यहाँ चर्चा की जाती है, और जो हरियाणा में फिलहाल जो आज के वक्त जो राजनीतिक माहौल बना हुआ, जो प्रकाश सिंह बादल की जो सुमास की जो प्रकाश आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई, और उसके अलावा जो राजनीतिक हालात है, तो उसके हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की गई है। शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो संगठन के मजबूती को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जो है चर्चा यहाँ पर की गई है, सीएम से मुलाकात की है प्रदेशाध्यक्ष ने, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट ने भी मुलाकात की है, तो हरियाणा भवन में ये मुलाकात हुई है संगठन को मजबूती के सिलसिले में। तो बात आज हम स्पेशल रिपोर्ट में कर रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार आज भी सरकारी अधिकारियों में बना हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब तक भ्रष्ट अधिकारी समाज में बने रहेंगे और आम जनता को परेशान करते रहेंगे, इसको लेकर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाराए घर घर पानी पहुँचाए, भोपाराए सालों साल चलता ही जाए, भोपाराए भोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपाराए मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। The wait for global education in Sirsa is finally over.
MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Ramya Road, Sirsa. For details, call... टू द पॉइंट में आज बात करेंगे पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा से। आपने एक सनसनी खड़ी कर दी है इल्जाम लगाकर। हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं 265 करोड़ रुपया गया कहाँ? इतने पूरे सफर में आज भी जब बैठते हैं तो सबसे दर्द वाली बात क्या याद आती है? चेतन शर्मा को आज तक अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। सेक्रेटरी कौन होता था? रणवीर सिंह महिंद्रा। तो चेतन शर्मा को नहीं देना, मेरा कहना नहीं माना था चेतन शर्मा, ना दूंगा भाई मैं चेतन शर्मा को। कौन है चेतन शर्मा? उन लोगों को अर्जुन अवार्ड दे दिया है जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की। क्यों अचानक ये इल्जाम लगा रहे? इतने सालों से तानाशाही चलती आ रही है, कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि लोग डरते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिखावा था कि इन्वेस्ट किया गया, अदरवाइज प्लेयर्स को उसका लैंड भी रिश्तेदारों वक्त क्यों में ये समझने की कोशिश कर। चेतन शर्मा बहुत छोटी चीज है, चेतन शर्मा बोलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 साल की उम्र से हरियाणा में खेलना शुरू किया और मुझे हरियाणा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। कप्तान बनाने के लिए तो मुझे इतनी डांट पड़ती थी, तुझे कप्तान बना रहा हूँ भाई, तमीज में रहियो। ये जो कड़वे एक्सपीरियंसेस आपके पर्सनल भी रहे यहाँ पर हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी, इसकी पीड़ा अभी भी है बहुत ज्यादा आपके? हाँ, मैं 10 साल खेला हूँ और उन बच्चों के सामने आपने चेतन शर्मा का नाम मक्खी की तरह निकाल के ट्रायल्स के अंदर से बाहर कर दिया। ये जो एजेंडा लेकर अब आप चले हैं, किस स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे? ये चेतन शर्मा ने बीड़ा उठाया, जो चेतन शर्मा बीड़ा उठाता कभी पीछे हटता नहीं है। जीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी में शुरू हो चुके हैं नर्सरी से लेकर 11वीं क्लास के एडमिशन। हमारे यहाँ बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था है। जहाँ तक बात है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा की, तो विषय निपुणता को लेकर के हमने संबंधित क्षेत्र में सभी को खुली चुनौती दी है। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। तो कुछ जब स्क्रीन पर चला अजहर का बल्ला, बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। नहीं टूट रहा रिश्ता सरबजीत और विवादों का, ऐश्वर्या की खूबसूरती का फिर बजे का डंका, या एक बार फिर फेल होगा रेड कार्पेट पर इंडियन फैशन का जलवा। देखिए एंटरटेनमेंट हाउसफुल रविवार सुबह 11:30 बजे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। ब्रेक के बाद
स्वागत है आप सभी का। आज यहाँ बात हम कर रहे हैं कि कैसे सरकारी तंत्र में आज भी ऐसे बाबुओं का हल्ला बोल है जो कि आम जनता को ठगते हैं, और क्यों ठगते हैं ये बड़ा सवाल बना हुआ है। विभाग के अधिकारी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं और कई बार करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या जो तमाम शिकायतें उनके पास आती हैं उन सब शिकायतों का समाधान हो जाता है? ये जो केस सामने आया है वहां पर विकलांग के पैसे को खाया जा रहा था, उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी, वो भी ऐसे काम के लिए जो उन अधिकारियों को करने की जिम्मेदारी है, यानी कि उनका काम ही वही है कि उनको ये सब काम करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिश्वत मांगते हैं और उसके बाद रंगे हाथों गिरफ्तार भी हो जाते हैं। लेकिन जिस ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, जिस जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात की गई थी, क्या वो प्रदेश में हो रहा है? क्या वाकई में आपको भी लगता है कि इस तरह के जो मामले हैं वो और सामने नहीं आ रहे? सिरसा का ये मामला था जहां पर सतर्कता विभाग की टीम ने इस अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। कांग्रेस से हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन रहा हूँ जी। कृष्णमूर्ति जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज मुझे आ रही है, आवाज आ रही है मुझे? माफी चाहूंगी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही कृष्णमूर्ति जी। आवाज नहीं आ रही मेरी? जी, अब आपकी आवाज आई है, अब मुझे आवाज मिल पा रही है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अब प्रदेश में कहा गया जीरो टॉलरेंस ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी तो यहाँ पर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। देखिए, अकेले अधिकारी नहीं, आज इनके बहुत से एमएलए भी इस चक्कर में है। इनके एक मंत्री के ऊपर आरोप लगे थे कि उसके साला पैसे इकट्ठा कर रहा है। ये सरकार के मंत्री का बता रहा हूँ मैं, अखबारों में आई थी। तो ये तो जो ये जो इन्होंने नारा लगाया था ना, जीरो टॉलरेंस और भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त, कुछ भी तो नहीं है। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है, कानून व्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है। ठीक। कोई आदमी हरियाणा में सुरक्षित नहीं है। हाँ। हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। और इसके अलावा तो कुल मिला के इनके इनके जो मेंबर पार्लियामेंट है वो जाट आरक्षण में इनके तो अभी, को अभी, अभी मसला कृष्णमूर्ति जी ये नहीं है, सिर्फ अधिकारी कितने भ्रष्ट हैं और क्या कार्रवाई हो रही है उनको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। योगेश बिदानी जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। योगेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? योगेश बिदानी जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? संपर्क नहीं हुआ इनसे, और फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या लोगों की शिकायतों को वाकई में सुना जा रहा है, और क्या अधिकारियों का जो तंत्र एक चलता था वो खत्म हो गया है प्रदेश में जैसे वो पहले क्या करते थे? देखिए, शिकायत आम जनता की तो छोड़िए, हाँ, इनके अपने कार्यकर्ताओं की शिकायतें उनका समाधान नहीं हो रहा। इनके अपने कार्यकर्ता इस समय रो रहे हैं कि सरकार जुड़वाई है हमारी, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। इनके प्रभारी अनिल जैन आए, उस समय जो कार्यकर्ताओं ने अपना टुकड़ा रोया है उससे साफ जाहिर है कि इनके अपने लोग जिस सरकार से खुश नहीं है, तो आम आदमी को खुश कैसे करेंगे ये जी। तो ये सरकार कुल मिला के एक विफल सरकार है, एक एक दिन कटना मुश्किल हो रहा है लोगों को। अभी 3 साल बचे, 3.5 साल बचे हुए हैं, लेकिन लोग इतने परेशान हो चुके हैं। लेकिन जी, ये तो कहा जाता है कि कम से कम शिकायतें सुनी जा रही हैं, इसी वजह से ऐसे केसेस कहां सुनी जा रही है शिकायतें, कौन सुन रहा है? आज मुझे बता दीजिएगा कहां शिकायतें सुनी जा रही हैं। और सीएम विंडो एक ड्रामा है, वो जाती है उसका उसी लहर से जवाब दे दिया जाता है, कोई सुनाई है नहीं। मुख्यमंत्री ना लोगों से मिलते हैं, ना इनके मंत्री लोगों से मिलते हैं, कहां लोगों की सुनाई है? पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह उठाते थे, वो जहां भी जिले में जाते थे हर आदमी जितने लोग मिलने आते थे सबसे मिलते थे। ये मुख्यमंत्री तो पहले कह देते कि ये 6 आदमी आएंगे, 7वां आदमी नहीं आएगा रेस्ट हाउस में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो किस तरह से अभी भी सरकारी तंत्र पर हावी है इस तरह के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनका बोलबाला, इसी को लेकर आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात कर रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।